जनपद चंदौली कटेसर स्थित कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस की टिकट डॉक्टर राजेश मिश्रा को मिलने की खुशी में आज कांग्रेस जनों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपको बता दें इस अवसर पर कांग्रेस जनों ने काफी उत्साह दिखाया और कांग्रेस रामनगर शहर अध्यक्ष शमशाद खान सतनाम जी अन्य कांग्रेस जन ने पूरी मेहनत और लगन और आपको बता दें कि पूरी लगन इसमें लगा रखी और अपनी कांग्रेस सरकार को वापस लाने की बात कह रही है। नमस्कार, नेशनल इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद हाशिम, आज मैं यहाँ रामनगर कांग्रेस कार्यालय में आया हूँ। आइए इस मुद्दे पे और इस समय क्या चल रहा है कांग्रेस जनों में, इस मुद्दे पे मैं सतनाम जी से मैं बात करता हूँ। सर अपना परिचय। मैं सरदार सतनाम सिंह जी, प्रदेश महासचिव कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश रामनगर। सर अभी किसको टिकट मिला, क्या है आगे का कांग्रेस में, कांग्रेस पार्टी मतलब किस मुद्दे पे लड़ रही है और क्या है इसका पूरा डिटेल बता। सबसे पहली बात तो मैं प्रदेश नेतृत्व और हाई कमान को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा अपनी ओर से, रामनगर कांग्रेस कमेटी की ओर से, रामनगर की जनता की ओर से, कि हाई कमान ने बहुत ही बेहतरीन उम्मीदवार सशक्त दुधारू संघर्षशील क्रांतिकारी साथी राजेश मिश्रा जी को उन्होंने कैंट विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है। ये हमारे लिए रामनगर कांग्रेस कार्यकर्ता ने पूरे वाराणसी कैंट के लोगों में अपार प्रसन्नता होती है और हम इसके लिए प्रियंका जी को विशेषकर और रंजू जी को प्रदेश अध्यक्ष अजित पाल जी को बहुत बहुत बधाई दी। अच्छा सर, ये जैसे ये राजेश मिश्रा जी को टिकट दिया गया और क्या राजेश मिश्रा जी की इस समय जनता की क्या चल रही है, जनता के दिल में क्या चल रहा है राजेश मिश्रा जी के लिए, ये आपको मैं तो सुनना चाह रहा हूँ आपकी जुबान। बेशक निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि कैंप विधानसभा लगातार एक परिवारवाद की राजनीति चल रही थी और एक परिवार का ही व्यक्ति लगातार इस क्षेत्र से विधायक होता रहा और कभी भी चाहे वो हरी जी रहे हों, उसके बाद उनकी पत्नी ज्योतना श्रीवास्तव जी रही हों और उसके बाद उनके बेटे सौरभ जी रहे हों, इन लोगों ने क्षेत्र का विकास नहीं किया और विकास के नाम पर इन्होंने अपना विकास किया और विरोध क्षेत्र का विनाश करने का काम किया है। और ऐसी स्थिति में आम जनमानस ये चाह रहा है कि कोई एक नया नेतृत्व ऐसा हो, कोई ऐसा मजबूत प्रत्याशी कहीं किसी भी दल से आ जाए जिसके लिए हम लोग एकजुट होकर मजबूती के साथ उसके लग सके। और जब ये आम जनमानस को पता चला, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पता चला कि हाईकमान ने राजेश मिश्रा जी को टिकट दिया है, तो निश्चित रूप से आम गरीब तबका जो अति दलित अति पिछड़े मानवतीत के लोग सुडूल कास्ट के लोगों में इतनी प्रसन्नता हुई जो घोर उपेक्षित रहे, सदियों से घोर उपेक्षित रहे, देश की आज़ादी के बाद से लगातार रामनगर घोर उपेक्षित रहा विकास के मामले में और ये आशा की किरण के से देख रहे हैं राजेश मिश्रा। सब परिचय दे अपना। मैं शमशाद खान नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष और हमारे साथ बैठे हुए तमाम नगर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और यहाँ मौजूद हैं। तो अभी राजेश मिश्रा जी को टिकट कांग्रेस द्वारा मिला है, इस विषय में क्या कहेंगे आप? जैसा कि हमारे बड़े भाई सतनाम सिंह ने बताया है, कैंट विधानसभा को प्रत्याशी बनाए जाने पर पूरे कैंट विधानसभा में हम सभी लोग शीर्ष नेतृत्व को हम लोग बधाई देते हैं कि उन्होंने एक अच्छा प्रत्याशी हम लोगों के बीच में, मजबूत प्रत्याशी हम लोगों के बीच में, एक सशक्त कार्यकर्ताओं को तरजीह देने वाला प्रत्याशी हम लोगों के बीच में भेजा है और हम सब यहाँ से ज़्यादा वोट मिला करके उनके हाथों को मजबूत करेंगे और प्रियंका गांधी के जो उनकी एक 2024 की टारगेट को मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे। विकास के मुद्दे पे क्या कहेंगे, जैसे योगी सरकार ने भारतीय जनता पार्टी से इतना विकास हुआ, इस मुद्दे पे आप क्या कहेंगे सर? विकास तो बहुत किया है, इतना विकास किया है कि सबका विनाश तो हो गया है। 100 रुपए का तेल 200 रुपए बिक गया, विकास नहीं है। 400 रुपए का सिलेंडर 1000 का बिक रहा है, विकास नहीं है। अब स्मृति ईरानी गैस सिलेंडर उठा के दौड़ेंगे नहीं। आम आदमी की समस्या, पढ़ाई की समस्या, अगर सरकार को 5 किलो राशन बांटना था तो सरकार स्कूल में भी इस फ्री कर देती, बच्चों को कॉपी किताब फ्री कर देती, स्कूल वाले से बोल देती कि ये सारा बजट गवर्नमेंट दे देगी, आप किसी बच्चों का कोविड में स्कूल बंद थे, सारे खर्च गवर्नमेंट पेड करेगी और तमाम बच्चों का कोई स्कूल फीस ना लिया जाए। तो ये पढ़ाई लिखाई के मामले में हमारे देश के अंदर एक अच्छा संदेश चला जाता और महंगाई से तो आज हर आदमी पीड़ित है, कौन आदमी बचा हुआ है, चाहे सरकारी आदमी हो चाहे बेरोजगारी आदमी हो। नहीं, उनका कहना है जैसे भारतीय जनता पार्टी ने काफी नौकरियां निकाली, काफी लोगों को नौकरी दी। सतनाम जी आप कुछ कहना चाह रहे हो? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था, तो अभी आपने चर्चा किया भाई संसार विकास में पूछा विकास के मुझे, मैं पूछना चाहता हूँ आप भी देख रहे हैं ना,
कि लगातार चाहे केंद्र की सरकार और प्रदेश सरकार यही एक बात कही कि हमने बहुत विकास किया, बहुत विकास किया। अच्छी बात आपने विकास किया, तो विकास के मुद्दे पर आज बहस क्यों नहीं होती? महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, अपराध के मुद्दे पर, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर जो लगातार हमला किया जा रहा है, संविधान की हत्या की जा रही है, उन मुद्दों पर बहस क्यों नहीं हो? क्यों नहीं मान रहे? तो विकास के मुद्दे पर हम बहस करने जा रहे हैं, बताओ हम कौन सा विकास किया? हाँ, एक विकास जरूर आता है, जब जब चुनाव आता है तब से इनको एक ही चीज नजर आती है, सीटें पर हिंदू मुसलमान नजर आता है, फिर काशी मथुरा अयोध्या का मुद्दा नजर आता है, तो मथुरा काशी अयोध्या का मुद्दा हम भी भगवान श्री राम के भक्त हैं, हम भी जय श्री राम का नारा लगाते हैं, लेकिन हम जहाँ कांग्रेस सर्वधर्म संप्रदाय की प्रभाव की प्रतिक्रिया है, कांग्रेस जहाँ भगवान श्री राम का जय का नारा लगाती है, तो वही नारे तस्वीर अल्लाह अकबर का भी नारा कांग्रेस लगाती है, वही जय श्री राम का भी नारा लगाती है, सतनाम श्री वाहेगुरु बाबा जी का भी नाम लेती है, बाबा भोले विश्वनाथ का भी नाम लेती है। जैसे योगी जी का कहना है कि 7 मार्च के बाद बुलडोजर फिर चलेगी और लाल टोपी पीली टोपी, ये क्या है, इसमें सभी क्या है? तो अभी आपने चर्चा किया भाई संसार विकास में, पूछा विकास के मुद्दे, मैं पूछना चाहता हूँ, आप भी देख रहे हैं ना कि लगातार चाहे केंद्र की सरकार और प्रदेश सरकार यही एक बात कही कि हमने बहुत विकास किया, बहुत विकास किया। अच्छी बात आपने विकास किया, तो विकास के मुद्दे पर आज बहस क्यों नहीं होती? महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, अपराध के मुद्दे पर, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर जो लगातार हमला किया जा रहा है, संविधान की हत्या की जा रही है, उन मुद्दों पर बहस क्यों नहीं हो? क्यों नहीं मान रहे? तो विकास के मुद्दे पर हम बहस करने जा रहे हैं, बताओ हम कौन सा विकास किया? हाँ, एक विकास जरूर आता है, जब जब चुनाव आता है तब से इनको एक ही चीज नजर आती है, सीटें पर हिंदू मुसलमान नजर आता है, फिर काशी मथुरा अयोध्या का मुद्दा नजर आता है, तो मथुरा काशी अयोध्या का मुद्दा हम भी भगवान श्री राम के भक्त हैं, हम भी जय श्री राम का नारा लगाते हैं, लेकिन हम जहाँ कांग्रेस सर्वधर्म संप्रदाय की प्रभाव की प्रतिक्रिया है, कांग्रेस जहाँ भगवान श्री राम का जय का नारा लगाती है, तो वही नारे तस्वीर अल्लाह अकबर का भी नारा कांग्रेस लगाती है, वही जय श्री राम का भी नारा लगाती है, सतनाम श्री वाहेगुरु बाबा जी का भी नाम लेती है, बाबा भोले विश्वनाथ का भी नाम लेती है। जैसे योगी जी का कहना है कि 7 मार्च के बाद बुलडोजर फिर चलेगी और लाल टोपी पीली टोपी, ये क्या है, इसमें सभी क्या कहते हैं? देखिए, मैं तो बस इसमें एक ही चीज कहूँगा कि निश्चित रूप से जिस पद पे माननीय योगी जी आशीन है, पहले तो इस तरह की भाषा को उनको बोलना ही और इस तरह की भाषा बोलने वही व्यक्ति बोल सकता है जो आपराधिक मानसिकता का व्यक्ति होगा। निश्चित रूप से योगी जी आपराधिक मानसिकता रहे, उन पर आपराधिक कई मुकदमे रहे हैं और ये सिर्फ विषयों को मोड़ने के लिए इस तरह का नाटक किया जाएगा, मूल मुद्दों से हटाने के लिए, मूलभूत समस्याओं से हटाने के लिए, जनता का ध्यान हटाने के लिए कहीं बोले पे हम ठोक देंगे, कहीं बोलते हम गर्मी निकाल देंगे, कहीं कहीं काशी अयोध्या के बाद हम मथुरा का भी वही निकाल देंगे, तो ये इनका अभी इससे मतलब स्पष्ट है, बोखला गए अपने हाथ से, ठीक है, अभी प्रथम चरण का जो चुनाव हुआ है उसमें इनकी बुरी तरह से पड़ेगी। अच्छा, ये हिजाब के अभी चल रहा है कर्नाटक में, कहता इस विषय में क्या कहेंगे आप? हाँ, हिजाब के विषय पर मैं भाजपा पूरे पांचों राज्यों में ये माहौल बनाना चाहती, किसी धर्म से पूरे पांचों राज्यों में हिंदू मुसलमान का स्वागत है, लेकिन ये पंजाब में भी फिर हिंदू मुस्लिम नहीं कर पा रहे, उत्तराखंड में भी नहीं पा कर पा रहे, गोवा में भी नहीं कर इनका चल पा रहा, मणिपुर में नहीं चल पा रहा, उत्तर प्रदेश में भी नहीं चल पा रहा, तो चले गए दक्षिण में अपने आगे वहाँ पे। और हमारा स्पष्ट मानना कि जहाँ तक हिजाब की बात है, चाहे वो सिंधी लड़की हो, चाहे हिंदू की लड़की हो, चाहे मुसलमान की लड़की हो, चाहे ईसाई पारसी चाहे किसी की लड़की, सबका एक धार्मिक अधिकार है, वो अपने धर्म के नियमों का पालन करते हैं और हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते कि फला चीज खाना है, फला कपड़ा पहनना, फला चीज नहीं कर लाएंगे यहाँ से। और यही प्रयास हम सबका निरंतर लगा बना हुआ है और हम लोग इसी प्रयास में लगे हुए हैं। हम लोग कांग्रेस अपने क्षेत्र से विश्व भर से लगातार कांग्रेस का सिपाही हूँ, पहले तो हाईकमान को मैं बधाई दूंगा कि अच्छे प्रत्याशी का चयन यहाँ पर किया है। हम लोग तन मन धन से उनको जिताने का कार्य करेंगे। अच्छा दीजिए अपना भैया। सतीश श्रीवास्तव, कार्यकारी अध्यक्ष नगर कांग्रेस कमेटी। पहले तो हम लोग हाईकमान को बधाई देंगे कि डॉक्टर राजेश मिश्रा को कैंट विधानसभा से प्रत्याशी बनाया गया। पहले हम लोग मुगल सराय विधानसभा को वोट देते थे, जब से कैंट विधानसभा बना हम लोग एक ही परिवार का
चाहे वो ज्योतना श्रीवास्तव हो, चाहे उनके पति हरिचंद श्रीवास्तव हो, अपने सौरभ श्रीवास्तव हो, जो मोदी जुमलेबाजी करते हैं कि परिवारवाद परिवारवाद, ये कैंट विधानसभा में क्या चल रहा है? यहाँ भी तो परिवारवाद चल रहा है। पहली बार हम लोग को मौका मिल रहा है कैंट विधानसभा से अपने प्रत्याशी को चुनने का। अब तक हमको याद है कि जब से हम लोग कैंट विधानसभा में आए हैं तब से ये परिवार के लोग ही कैंट विधानसभा जीत रहे हैं। पहली बार हम लोग तन मन धन से लग करके डॉक्टर राजेश मिश्रा को यहाँ से विजयी बनाएंगे और ये परिवारवाद यहाँ से खत्म होगा। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे कांग्रेस जो हमारे सदनाम जी हैं और शमशाद जी हैं, इन लोगों ने लॉकडाउन में रात दिन एक कर दिया। लॉकडाउन में इन लोगों ने गरीबों के घर में, जहाँ पे जिन लोगों घर में चूल्हा नहीं चलता था उन लोगों घर में इन लोगों ने राशन पहुँचाया। बहुत गर्व की बात है कि कांग्रेस जन मतलब कांग्रेस सरकार न होते हुए भी इन लोगों ने इतनी रात दिन एक कर दिया। और अभी भी वो जब इनके नेता चुने गए हैं और यहाँ पे ये लोग लगे पूरे ही तन से लगे हुए, और इन लोगों का एक ही लक्षण है कि कोई गरीब परिवार भूखा ना सोए, चाहे वो पार्टी में हो चाहे पार्टी में ना हो। जनता के बीच में जाना, जनता का सहयोग करना, ये तो पार्टी तो बाद में, लेकिन पहले सबसे पहले ये इनके अंदर एक इंसानियत है कि जनता के बीच में रह करके जनता के बीच में जनता के दिल जीतना और जनता की हर एक समस्याओं को सुनना। नेशनल इंडिया टीवी से मोहम्मद हाशिम।